लेकिन अभी जो हम लोग हैं मौर्यन आर्ट पढ़ेंगे, तो ये जो मौर्यन आर्ट है ये एनसीईआरटी का किताब है और ये टॉपिक बीपीएससी के लिए भी, जो लोग भी बीपीएससी देंगे उन सबों के लिए काफी, या उस पीरियड काफी महत्वपूर्ण। तो बीपीएससी में तो एक रेगुलर तौर पर ये मौर्य नाट आता है, मौर्य कला, पाल कला और पटना कला, लेकिन मौर्य कला से संबंधित सवाल यूपीएससी में भी आता है ना, और विशेषकर जब ऑप्शनल में भी आया हुआ है और 150 या 250 शब्दों का पोटेंशियल इसका है। जीएस मेंस के जो पेपर वन है उसका हेरिटेज और कल्चर में भी इसका स्कोप है। तो ये टॉपिक तीनों इम्तिहान में, बीपीएससी में भी, यूपीएससी ऑप्शनल हिस्ट्री में और जीएस मेंस पेपर वन में, तीनों में इस टॉपिक का रेलिवेंस है। तो पहले हम लोग इसको एनसीईआरटी के मॉडल में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो एनसीईआरटी के 11th क्लास वाले किताब में दिया हुआ है उसके आधार पर अभी हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं ना। सवाल भी अपना अपना किताब रखे रहिए। देखिए मौर्य कला जो है, इस पर जो सवाल विभिन्न इम्तिहानों में आते हैं उसमें मौर्य कला का महत्व है। मौर्यन आर्ट कोट आर्ट था, मौर्यन आर्ट इरेनियन आर्ट था, इंस्पायर्ड बाय द इरेनियन आर्ट है ना। और इसका जो लोकल इम्पैक्ट, जो फोक आर्ट बोलते हैं, पिलर्स हैं, केव्स हैं, अस्तूप हैं, है ना, तो बौद्ध अस्तूप बड़े संख्या में सर्वाइव किए हैं, उन सब चीजों के बारे में है। फिर एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि कला के बारे में जो भी हम लोग का इतिहास का प्रमाण शुरू होता है हिस्टोरिकल पीरियड में, वो मौर्य काल से ही मिलता है। मौर्य काल के पूर्व कला का कोई उस तरह का प्रमाण हिस्टोरिकल पीरियड में नहीं है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने सिंधु घाटी की कला को पढ़ा, उसके पहले प्री हिस्ट्री की कला को पढ़ा, तो बीच वाला जो पीरियड है उसके कला का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। टेक्सचुअल एविडेंस कहीं कहीं है पेंटिंग का, जहाँ भगवान बुद्ध के जमाने में ऐसा माना जाता है तक्षशिला के किसी गांधार के किसी राजा ने भगवान बुद्ध की मूर्ति चित्र मांगा, तो चित्रकार ने जब भगवान बुद्ध की का चित्र बनाना शुरू किया तो चित्र बनाने के लिए छवि या फिगर को देखना जरूरी होता है। तो एक कथा है ये, उसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। तो उसमें कहा गया कि भगवान बुद्ध के चेहरे की तरफ देखता था तो भगवान बुद्ध के तेज के उनके शरीर से जो तेज निकलता था उस पर उस कलाकार की आंखें नहीं टिक पाती थी। फिर उसने भगवान बुद्ध से कहा कि आप धूप में खड़ा हुई तो आपके छाया को देखकर हम चित्र बनाएंगे, क्योंकि आपके चेहरे पर देखना संभव नहीं है। तो टेक्सचुअल में अर्लीस्ट रेफरेंस कहा जाता है कला का ये है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है कला का मौर्य पीरियड से मिलना शुरू होता है। लेकिन चूंकि मौर्यन आर्ट जो पिलर एडिक्ट्स है या जो केव इंस्क्रिप्शंस है या अस्तूप भी है, इस तरह से डेवलप्ड है कि लोग कहते हैं कि अचानक इतना डेवलप्ड आर्ट कहाँ से आ गया। अगर हिस्टोरिकल पीरियड में, वैदिक पीरियड में नहीं है, 6th सेंचुरी BC में नहीं है, तो फिर मौर्यन पीरियड में इस तरह की विकसित कला का प्रमाण कहाँ से मिलने लगा। तो इसीलिए कुछ लोगों ने प्रारंभ के जमाने में कहा कि मौर्यों का संपर्क ईरानियों से था, ईरान में कला का विकास था, तो ईरानियों के प्रभाव वाला ही मौर्यन आर्ट है। इसीलिए शुरुआत में मौर्य कला को ईरानियन कला भी कहा गया, लेकिन धीरे धीरे अवधारणाएं बदली और जब ईरान की कला और मौर्यन कला के तुलनात्मक अध्ययन हुआ तो बहुत सारे डिफरेंस पाए गए। फिर एक सवाल जो बार बार आता है कि मौर्य आर्ट को कोट आर्ट कहा जाता है, दरबारी कला। दरबारी कला वह कला है जिस कला के विकास में दरबार राज्य की भूमिका हो। तो चूंकि मौर्य पीरियड में जो पिलर्स बने हैं, केव्स या कुछ भी बने हैं,
वो इंडिविजुअल कलाकार के बस का चीज नहीं है, यह हेवी इन्वेस्टमेंट और लेबर इंटेंसिव काम हुआ है, तो इसीलिए व्यक्तिगत किसी से संभव नहीं है। तो कोर्ट आर्ट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी कला के विकास का प्रमाण मिला है, तो उसको भी उस श्रेणी में लोग मानकर चलते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पहले पार्ट में ये देखेंगे कि एनसीईआरटी की किताब में कितना है, और हालांकि इसमें भी उतना है जो किसी भी इम्तहान के लिए इनफ है, लेकिन थोड़ा सा और इसको परिष्कृत करने के लिए और भी चीजों को बाद सेकेंड पार्ट में हम पढ़ें। चलिए, तो उस समय जो है, देखिए पहले के जमाने में पूजा पाठ के लिए बहुत सारे सिंबल्स या प्रतीकों का प्रयोग होता था। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीकों की पूजा करने की बात उस जमाने में आती है। उससे पहले जो बौद्ध ब्राह्मण धर्म है वो यज्ञ और बलि प्रधान धर्म था, तो यज्ञ और बलि में मूर्ति की कोई बात नहीं है, और ब्राह्मणों को माना गया है कि अपने मंत्रों के द्वारा वो देवताओं का पृथ्वी पर आह्वान करते हैं, और यज्ञ के होम के द्वारा जो अर्घ दिया जाता है देवताओं को प्रसन्न करके, वो जो भी यज्ञ करवा रहा व्यक्ति होता है उसे वो प्रसन्न कर उसको इच्छित फल प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो प्रारंभ में जो पुरोहितों की भूमिका रही है वही रही है कि अपने शब्दों मंत्रों की ताकत के द्वारा देवताओं को पृथ्वी पर आह्वान कर लेना, उन्हें अर्घ प्रदान करना और हर तरह के अर्घ देना जो स्वाहा स्वाहा करते हैं। तो अग्नि वेदी को देवताओं का मुख कहा गया है, अग्नि का मुख कहा गया है। तो जब अर्घ देते हैं तो किसी देवता के नाम से देते हैं, ओम श्री विष्णुवाय स्वाहा, दैट मीन्स कि आप विष्णु जी को वह अर्घ प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण अपने मंत्रों की शक्ति से देवताओं का पृथ्वी पर आह्वान करते हैं, अर्घ देकर उन्हें प्रसन्न करते हैं और यज्ञ करवाने वाले को इच्छित फल प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। और चूंकि ब्राह्मणों में ही या ब्राह्मणों के शब्दों में ही वह ताकत है कि वो देवताओं का आह्वान कर सकते हैं, इसलिए वह श्रेष्ठ मानव में श्रेष्ठ माने गए या उनको नंबर वन स्थान इसीलिए दिया गया इस अवधारणा के आधार पर ही कि उनके मंत्रों की शक्ति से ही देवताओं का आह्वान पृथ्वी पर हो सकता है। तो ब्राह्मण धर्म में जो शुरुआत का विधि विधान है वह है यज्ञ और बलि, लेकिन इसी चीज का विरोध करके ब्राह्मण धर्म के खिलाफ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कुल मिला के उस छठी शताब्दी में 62 संप्रदाय आए। तो स्वाभाविक है कि यागिक रीति रिवाज बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खर्चीले थे। उन खर्चीले यागिक रीति रिवाज, यागिक रिचुअल्स के खिलाफ ही बौद्ध और जैन आया, तो स्वाभाविक है कि वैकल्पिक पूजा विधि बताएंगे। तो इसीलिए उन्होंने चरित्र की शुद्धता, कार्य की शुद्धता, हर तरह से कहा कि जैसे अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य है बौद्ध धर्म में, उसी तरह से जैन धर्म का जो सिद्धांत है पंच महाव्रत गुण व्रत है, उनमें बहुत सारे और भी जो नियम कानून है वो चारित्रिक शुद्धता पर ज्यादा ध्यान देते हैं और तार्किकता पर भी ध्यान देते हैं, इमेजिनेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो शुरुआत में बौद्ध या जैन दोनों में प्रतीकों की पूजा हुई है ना, वहां मूर्ति पूजा का कोई कंसेप्ट अभी तक हिस्टोरिकल पीरियड में वैदिक काल से लेकर नहीं था। यही रीति रिवाज आगे भी चला, मौर्य पीरियड में भी कोई मूर्ति पूजा नहीं है, है ना। इसीलिए मौर्यों के जमाने में जो कला का प्रमाण है, जो भी हम लोगों को इतिहास में कला का प्रमाण मिला है, उसमें 2-3 तरह की चीजें प्रमुख है, है ना। तो जैसे कोर्ट आर्ट के अंदर में महल है, पैलेसेज है, जो आर्किटेक्चर के प्रमाण है, तो महलों का प्रमाण फिजिकल रूप से बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, क्योंकि पाटलिपुत्र जो कुम्हरार का महल है उसका केवल स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मिल रहा है, क्योंकि मौर्यों के जमाने में बिल्डिंग्स को बनाने में
लकड़ी का प्रयोग ज्यादा हुआ है तो लकड़ी गंगा घाटी में सड़ जाता है, लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेगा। दूसरा जो है पिलर्स है, तो मौर्य कला के सबसे अच्छे उदाहरण के रूप में पिलर्स है ना, स्तंभ है, ये बड़ी संख्या में मिले हैं, 7 स्तंभ 6 जगहों से मिले हैं। फिर स्तूप है, स्तूप जो है वो बहुत सारे स्तूप बने, प्रारंभ में भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उनके अस्थि अवशेषों को बांटने या उनका पहले अंतिम संस्कार करने के लिए विभिन्न गणों में लड़ाई की स्थिति आ गई, फिर फैसला हुआ कि भगवान बुद्ध का यहीं पर अंतिम संस्कार करें। उनके अस्थि अवशेषों को 8 गण थे और उन लोगों ने कहा कि हम 8ों बांट लेते हैं, यही फैसला हुआ। कहीं कहीं द्रोण स्तूप 9वां स्तूप होता है, लेकिन 8 प्राइमरी स्तूप हुए। फिर अशोक को कोई सपना आया तो कहा जाता है कि उन्हें 80 अवशेषों में से अंश निकाल कर उसने 84,000 स्तूप का निर्माण किया। अब 84,000 स्तूप एग्जैजरेटेड भी हो सकता है, लेकिन अच्छी खासी संख्या में अशोक ने स्तूप बनवाए, जिसके बारे में फाहियान भी बोलता है और वेनसांग भी बोलता है। तो 84,000 न बनवाया, लेकिन अशोक ने स्तूपों का निर्माण निश्चित रूप से करवाया। उस जमाने में मॉडर्न पीरियड में स्तूपों का निर्माण ईंट से होता था, तो जिन स्तूपों को बाद के लोगों ने जीर्णोद्धार करवाया, जैसे सांची और भरूच के स्तूप का जीर्णोद्धार पुष्यमित्र सुंग ने करवाया, तो सुंग काल में जीर्णोद्धार हुआ तो सर्वाइव कर गए। तो जिन स्तूपों का रेनोवेशन कहीं कहीं हुआ वही स्तूप सर्वाइव कर रहे हैं, अन्यथा बहुत सारे स्तूप अपने आप विनष्ट हो गए, है ना। सारनाथ वाला भी स्तूप को पुनर्निर्माण हुआ इसलिए सर्वाइव किया, और भी कुछ स्तूप किए। इसके अलावा गुफा है, केव्स है। मौर्य काल में पहाड़ को काटकर गुफा बनाने की पहली बार शुरुआत हुई, है ना, तो केव आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है। इस पीरियड में मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं और कुछ स्कल्पचर्स या मूर्तियां मिली हैं। तो मूर्तियां कोई देवी देवताओं का नहीं है, यक्ष अथवा यक्षिणियों की मूर्तियां है ना, तो इसे पॉपुलर आर्ट भी कहा जाता है या फोक आर्ट के श्रेणी में इसको रखा जाता है। तो मौर्य काल में ये सारी चीजें मिली हैं, तो हम लोग पहले NCERT के अनुसार इसका अध्ययन करते हैं, फिर हम लोग आगे करेंगे।